हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल ठंडे ठंडे जूस की रेसिपी। तो चलिए देखिए किस तरीके से बनाई हूँ। पूरे वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरीके से मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है थोड़ी सी तरबूज, कट करके मैंने रख लिए हैं और इसको डालती हुई मिक्सी में। तो ये बिल्कुल ठंडा ठंडा जूस है। अभी गर्मी का टाइम है, आप इस तरीके से जूस बना के घर पर पीजिए, इंजॉय करिए। और ये झटपट बन भी जाते हैं और शरीर को काफ़ी राहत मिलते हैं इसको पीने से। तो यहाँ पर देखिए झटपट मैं तरबूज का जूस बनाती हूँ एकदम। और यहाँ पर देखिए मैंने तरबूज कट करके रख लिए थे पहले से ही, और मैं डाल रही हूँ इसकी मिक्सी जार में। और यहाँ पर मैंने लिए एक नींबू और साथ ही साथ थोड़ी सी पुदीना। तो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि कुछ भी आप ग्रीन सब्जी लेके आओ थोड़ा सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी पुदीना यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। तो आपके पास जूसर है तो आप जूसर में निकाल सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी में पीसूंगी। और इसमें मतलब जो है हम बीया नहीं पीसते हैं, सिर्फ जूस जूस मतलब वाटर मिलन ही पीसते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मैंने पीस के चलने की मदद से मैं इसको छान ले रही हूँ अच्छी तरीके से। और मैं बिल्कुल थोड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चे तरबूज खाना पसंद करते हैं, जूस बहुत कम पीना पसंद करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा स्पेशल मतलब कुछ नए तरीके के जूस बनाना चाह रही थी, तो इसीलिए मैं बिल्कुल एकदम घर के जैसे मसाले वाले जूस बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके के मैं जूस की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कुछ अलग है, कुछ हटके हैं, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। देखिए किस तरीके से मैं बनाती हूँ और क्या क्या मतलब ऐड करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चलने की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैंने छान लिए हैं। और इसको छानने के बाद इसमें और क्या क्या ऐड करूँगी ये भी देखते हैं। तो देखिए बीए बिल्कुल पीसे नहीं है, बीए बिल्कुल साबुत साबुत है। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो आप मतलब जूसर में भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे को छान के साइड में रख लिए हैं। और उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली नमक ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप नहीं खाते हो तो सारे नमक ऐड करें। यहीं पर मैं ना नींबू के आधे टुकड़े मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मतलब खट्टा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी नींबू कट करके दो तीन बूंद यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो आप जहाँ आप जब भी मतलब आप अगर जूस बना रहे हो, अगर आप मीठा मतलब पीना पसंद करते हो, तो आप पीसने के टाइम पे आप एक चम्मच चीनी ऐड कर लें, बहुत अच्छे लगते हैं। पर मैं यहाँ पे मीठा ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि तरबूज काफ़ी मीठे थे। तो यहीं पे देखिए मैं थोड़ी सी जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि जो ना थोड़ी चटपटी लगे, जूस पीने में अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे एकदम। उसको आप पीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ नया आपको जैसे लगेगा पीने को, आपको दिल करेगा तो। तो यहाँ पे देखिए मैं जीरा पाउडर और थोड़े से चाट मसाला मैंने ऐड कर दिए। और यहाँ पे देखिए मैंने डाले बर्फ़ डाल के, और इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तरबूज को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तरबूज मैंने कट करके डाल दिए हैं। और साथ ही साथ मैंने जूस डाल दिए हैं, दो बर्फ़ मैंने ऐड कर दिए इसी में। बिल्कुल ठंडे ठंडे फाइनली ठंडे ठंडे जूस बन के बिल्कुल तैयार हुए। कैसा लगा रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। रेसिपी अच्छे लगे हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी गर्मी में पीते रहिए, कुछ नए नए तरीके ट्राई करते रहिए। बाय।